माहौल शानदार अमेंडमेंट लेक्चर नंबर टू। सरकार आई होप जो चैप्टर नंबर सिक्स तक हमने अमेंडमेंट लेक्चर पढ़े हैं, हमने अमेंडमेंट देखे हैं, कंफर्टेबल आपको समझ में आए, माहौल एकदम जश्न होना चाहिए सर, पार्टी होनी चाहिए सर, अमेंडमेंट होते ही पूरे क्लियर। इवन आई एम वेटिंग कि सारे अमेंडमेंट आपके लिए हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, फिर आप रिविजन लेक्चर भी देख लो और एकदम माहौल एकदम बी पॉजिटिव, शानदार एनर्जी आप में होनी चाहिए सर। ओके तो सरकार नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, अब चैप्टर नंबर सेवन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। मैं तो कहता हूँ अमेंडमेंट नहीं हुआ है, एक्चुअली पहले जो पॉइंट ऐड हुआ था उसकी ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा एरर था, उसकी वजह से इंडस्ट्री में कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए उस पॉइंट को रिप्लेस किया। बाकी एज सच देखा जाए तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट ने खुद ने सर्कुलर देकर समझाया कि भाई अमेंडमेंट नहीं है, पहले की ड्राफ्टिंग में एक छोटा मोटा एरर था जिसमें कन्फ्यूजन के चांस थे इंडस्ट्री को, इसलिए हमने उसको रेक्टिफाई करके रिप्लेस कर दिया पॉइंट को। और पॉइंट क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट नंबर 15। सरकार आरसीएम माहौल देखिए, तो सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट। बच्चों मैंने क्या किया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी है, रेंटिंग ऑफ कौन से मोटर व्हीकल विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, जिसकी फीस में ऑब्वियस बात है कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड किया हुआ है साहब, क्लियर। अब साहब ये सर्विस मैंने किसको दी है, दी सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, ये मैंने साहब सर्विसेज किसको दी है, बॉडी कॉर्पोरेट को दी है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज है। पर यहाँ पे एक दो कंडीशन है जो अगला कॉलम पढ़ते वक्त समझ में आएगा, ये सर्विसेज किसने दी, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है वो खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस जिसको दे रहा है वो क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। प्लस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में टैरिफ, टैरिफ आपके कोर्स में नहीं आता है, रेट ऑफ टैक्स आपके सिलेबस में नहीं आता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो रेट चलती है, एक तो 5% एक 12%, मतलब CGST और ACST देखें तो 2.5, 6 और 6, 12, तो मैं 5% और 12% बोल रहा हूँ। तो सर उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लिया होना चाहिए, किसने, जिसने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस दी है उसने सर्विसेज दी किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, क्लियर। जहाँ पे उसने इनवॉइस रेज किया है उसमें 12% टैक्स चार्ज नहीं किया है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, क्लियर। वापस बोल देता हूँ बच्चों पूरा पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, ये सर्विसेज दी किसने, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने, किसको दी है, बॉडी कॉर्पोरेट को दी है विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, और ऐसे केस में उसने बिल पे 12% चार्ज नहीं किया है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ध्यान देना बच्चा, हो सकता है उसने 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज नहीं है। सेकेंड, उसने अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज नहीं है, उसने 5% वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज है। हो सकता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देने वाला खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं तो उसने बिल पे टैक्स चार्ज नहीं किया। तो सर एक्चुअली क्या था, पहले लॉ में ड्राफ्टिंग में एक एरर हो गया था बेटा इनसे, जिसको उन्होंने, देखिए बच्चों मैं एक बार पहले पॉइंट बताता हूँ, सर्कुलर भी आपको बताता हूँ बच्चा, उसमें समझाया मैंने उन्होंने कि ड्राफ्टिंग एरर था इसलिए हमने रिप्लेस किया है, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। वापस बोल रहा हूँ, सर्विसेज कौन सी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ दी सर्विसेज, ये सर्विसेज दी किसने, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने, किसको दी है, बॉडी कॉर्पोरेट को दी है, और ऐसे पर्सन ने बिल पे 12% टैक्स चार्ज नहीं किया है, हाँ है ना, उसके अलावा जो भी रेट है वो रेट से वो टैक्स पे कर रहा है, क्लियर। मतलब उस पर 12% टैक्स वाला प्रोविजन उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया है कुल मिला के, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज है और बॉडी कॉर्पोरेट हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्लियर। अब बताता हूँ वापस में, अगर सर्विस देने वाला कौन है, कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पर रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है सब। सेकंड, सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, अब रेसिपिएंट भले ही बॉडी कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, सप्लायर खुद टैक्स पे करेगा, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। थर्ड, सप्लायर भले ही इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो सब,
उसने अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो अगेन फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं है, क्लियर। अच्छा 12 के अलावा कोई और ऑप्शन लिया, वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बच्चों, क्लियर। ये पूरा प्रोविजन फिनिशिंग के साथ खत्म होता है अब, और यही समझाने के लिए आगे सर्कुलर दिया है साहब। नेक्स्ट पेज पे तो वो पॉइंट कंटिन्यू था, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज नंबर 204 दिया है, वहाँ पे बस ये पॉइंट खत्म हुआ है। उसके आगे जो पेज है, पेज नंबर 209A, यहाँ पे है सर्कुलर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन रेंटिंग मोटर व्हीकल। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 में पुरानी जो एंट्री थी वो दे रखी बॉक्स के अंदर, पुरानी एंट्री में क्या लिखा था बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सप्लायर ऑफ सर्विस कौन लिखा बेटा, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। ये पहले जो एंट्री थी वो लिखी बेटा, पेइंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑन इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। क्या लिखा बेटा, जो 2.5% टैक्स पे कर रहा है, मतलब 5% टैक्स पे कर रहा है, CGST प्लस SGST मिला लेते बेटा। बच्चों तो ये भी तो इसमें कन्फ्यूजन के चांस है, हो सकता है जो सर्विस दे रहा है चलो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पर हो सकता है वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो 2.5% भी पे नहीं कर रहा है, तो अगेन अब रिवर्स चार्ज वहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन। सेकेंड थिंग क्या लिखा, सप्लायर कौन होना चाहिए, हु इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, 2.5% मतलब 5% CGST प्लस SGST, हु इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। भाई अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो पे करेगा क्या, रिवर्स चार्ज होगा तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, तो अगेन ये ड्राफ्टिंग एरर था, इसलिए इसको रिप्लेस किया और वहाँ पे लिख दिया क्या, एनी पर्सन हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, हु इज सप्लाइंग सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जिसने इनवॉइस पे अदर देन 12% टैक्स चार्ज किया है, मतलब या तो टैक्स चार्ज किया ही नहीं है या 12 के अलावा सर टैक्स वाला ऑप्शन उसने लिया है बेटा, हाँ है ना बेटा, हु इज नॉट पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 12% कुल मिला के। तो ऐसे कैसे बच्चों साहब, रिवर्स चार्ज लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यही सर्कुलर ने समझाया। वैसे सर्कुलर अगर आप नहीं भी रेफर करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर तो आया इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को समझाने के लिए दिया कि हमने ये आखिर चेंज क्यों किया, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कुल मिला के अभी ध्यान रखिएगा क्या, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, प्लस सप्लायर ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया होना चाहिए, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स के केस में रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा अंडर RCM। भारत माता की जय। आइए बच्चों, और इस सर्कुलर ने ये भी क्लेरिफाई किया कि ये जो हमने अमेंडमेंट किया है रेट्रोस्पेक्टिव है बेटा, क्यों, क्योंकि क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है, हाँ है ना, तो इसका इंपैक्ट जिस दिन से ये एंट्री आई तब से ये एंट्री हमने जो अमेंडेड पढ़ी है वही मानी जाएगी कि फर्स्ट डेज हुई थी बेटा, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हुआ है पॉइंट ये वाला, क्योंकि क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है, ड्राफ्टिंग एरर को रेक्टिफाई किया है उन्होंने माहौल। आइए सरकार, अगला चैप्टर RCM के वाले एक अमेंडमेंट था बेटा, आप देख रहे होंगे बेटा अमेंडमेंट्स बहुत भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, टफ भी नहीं है। अगर देखो मैं आपको डे वन से हमेशा कहता आया हूँ, अगर आपने टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, प्रैक्टिकली पढ़ा है, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पढ़ा है, जैसे हम हर लेक्चर में हर टॉपिक को एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत डेप्थ में जाके प्रैक्टिकली लाइव मार्केट के हिसाब से पढ़ते हैं, जब उनको आप समझ लेते हो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से विद देयर कॉन्सेप्ट लॉजिक्स प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। और जब आप ये अमेंडमेंट देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है ना यार, कोई खास बात नहीं, बहुत ईजी है सर, मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी भर जब जब भी अमेंडमेंट आएंगे आपको ऐसा ही फील आना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स आर नॉट दी यू नो चेंज ऑफ द लॉ नहीं है, इंप्रूवमेंट द लॉ है, या जहाँ इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट था वहाँ इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को, जहाँ गवर्नमेंट को लगा यहाँ चेंज होना चाहिए वहाँ अमेंडमेंट किया हैविंग रिगार्ड टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज, या फिर सर्कुलर इशू किया GST के अंदर नया नया एक्ट आया GST, अब GST नया नया एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए, तो उसके लिए कई सारे सर्कुलर बेटा देखा होगा मेजरली अपने उसे टाइम लगा सर्कुलर समझाने में लगा बेटा, बाकी अमेंडमेंट कोई मेजर है नहीं बच्चों। इसलिए जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए। और हाँ, मेरा आपसे वादा है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से पढ़ते हो तो आपको टॉपिक पढ़ने में टाइम ज़्यादा नहीं कम लगता है, क्लियर। आप देखना मेरे को फुल कोर्स पढ़ाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता बेटा, क्लियर। और आपको अच्छे से हंसते थे समझ में आता बेटा, माहौल होना चाहिए और पढ़ाई बर्डन नहीं,
हंसते हंसते होना चाहिए बेटा, माहौल जमना चाहिए पढ़ाई का भी, क्लियर? आपको लगना चाहिए अरे माहौल जम रहा है सर, क्लियर, शानदार होना चाहिए, जबरदस्त। आइए सरकार आईजीएसटी एक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 8 अपनी बुक का है जिसको प्लेस ऑफ सप्लाई नाम दिया हुआ है आईसीए ने अपने बुक्स के अंदर। ओके सर, वहां पे सेक्शन नंबर 13, सब सेक्शन 13 में गवर्नमेंट को पावर है। मैं पहले बताता हूं कि सेक्शन 13, सब सेक्शन 13 क्या है। पहली बात तो सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है सब सेक्शन 1 कि जहां सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों में से 1% इंडिया का है, 1% आउट ऑफ इंडिया का है बेटा, हाँ है ना, 1% टैक्सेबल टेरिटरी का है, 1% नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, तो सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है सेक्शन सर्विसेज केस में बेटा। और वहां सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 13 में गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में डबल टैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी बेटा, तो टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन या फिर कोई ट्रांजेक्शन टैक्सेशन के स्कोप से ही बाहर निकल रहा है, ना उस कंट्री में टैक्स लग रहा है ना इस कंट्री में टैक्स लग रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो स्पेशल पावर यूज करके उन ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बता सकती है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा, सो दैट या तो डबल टैक्सेशन हो तो वो हट जाए, या टैक्स से बाहर निकल रहा था कोई गलती से तो वो टैक्स के अंदर आ जाए बच्चों। ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने सर्विस नोटिफाई एक पहले ऑलरेडी करी हुई थी, अब एक और कर दी बच्चों। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 13 में जो सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट ने इस बार ऐड किया है, वो ऐड किया है सर्विसेज बाय वे ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट इंजिन्स और अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और पार्ट्स विच आर सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो यूएसए का एक पर्सन है जो क्या करता है, एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग सर्विस देता है, मेंटेनेंस सर्विस देता है, उसके इंजन का मेंटेनेंस करता है या उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स का रिपेयरिंग करता है, उसने सर्विसेज दिए टू एनी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो एयरक्राफ्ट यूज करता है और उसको वो रिपेयरिंग सर्विसेज दी साहब उसने। अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे क्लेरिफाई करके बोल दिया, दिमाग खराब मत करना मंगल, और यहाँ साफ साफ बोल दिया क्या, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब समझना बच्चों ध्यान से, ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा, लॉजिक बताऊँ, वैसे तो पॉइंट खत्म हो गया पर लॉजिक सीखिएगा, पहले मैं पॉइंट वापस आपको याद कर देता हूँ सो दैट एग्जाम में गलती नहीं हो, फिर लॉजिक क्या है वो बाद में समझाता हूँ मैं। सर्विस कौन सी, केवल एयरक्राफ्ट की रिगार्डिंग बेटा, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन या एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स का रिपेयरिंग कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, ओवरहॉलिंग सर्विस दे रहे हो बेटा, किसको दे रहे हो, एनी पर्सन हु इज यूजिंग दिस एयरक्राफ्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो बेटा ये सेक्शन नंबर 13 चल रहा है, अब सेक्शन 13 कब लगता है, जब 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का बेटा, इधर ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब सर ये प्रोविजन क्यों आया तो मैं समझाता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल दिया यूएसए का कोई इंजीनियर है जो एयरक्राफ्ट के इंजिन्स का या पार्ट्स कंपोनेंट्स का या एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग वगैरह सर्विस देता है, वो आउट ऑफ इंडिया है, हम इंडिया में सब, मान लो इंडियन एयरलाइंस इंडिया की, सब इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट रिपेयर कर रहा है यूएसए का पर्सन, सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 13 से निकलेगा, और सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू सप्लाई हिज सर्विसेज, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। अब सर्विसेज परफॉर्म का करी, रिपेयरिंग का करी, एयरक्राफ्ट आपने भेजा कहां पे बेटा, यूएसए में, अब उसने यूएसए में सर्विस दी, क्लियर, अब सप्लायर कहां का, यूएसए का, रेसिपिएंट का इंडिया का, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, जो जहां पे उसने सर्विसेज परफॉर्म करी, सर्विसेज कहां परफॉर्म करी उसने, यूएसए में परफॉर्म करी बेटा, तो यूएसए ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, अब सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया, तो ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आया ही नहीं, ना ये इंपोर्ट के स्कोप में आ रहा है, ना इंटर स्टेट सप्लाई में आ रहा है, ना इंट्रा स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, मतलब ये टैक्स के बाहर निकल रहा था बेटा ये, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन करके बोल दिया क्या, इस पर्टिकुलर केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इस पर्टिकुलर केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेसिपिएंट कहां का बेटा, इंडिया का, तो सर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इस प्रोविजन की वजह से इंडिया हो गया, रेसिपिएंट का लोकेशन, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, और यहां पे टैक्स लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा बेटा, हाँ है ना, तो टैक्सेबिलिटी के स्कोप में इसको ले आए ये अमेंडमेंट करके, ये इंपैक्ट आया इसका बेटा। अच्छा रिवर्स अगर केस लेते हैं हम बेटा, जैसे इंजीनियर इंडिया का है,
एयरक्राफ्ट कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस, जो सिंगापुर की है। अब सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर की होगी ना यार। सर, इंडिया के इंजीनियर ने सिंगापुर की कंपनी के एयरक्राफ्ट को रिपेयरिंग किया इंडिया में। अब सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, सर्विसेज का परफॉर्म करी इंडिया, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जहां सर्विसेज परफॉर्म करी इंडिया वही प्लेस सप्लाई हो गया। पर सेक्शन 13(3) में तो प्रोविजन दे रखा बेटा है कि अगर कोई गुड्स टेम्प्ररी इंडिया में आया फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स या एनी द प्रोसेसिंग, और वो टेम्प्ररी इंडिया में आके रिपेयरिंग वगैरह होके वापस इंडिया से बाहर चला गया, तो सब सेक्शन 3 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा तो जनरल प्रोविजन 2 लगेगा। 2 बोलता है रेसिपिएंट का लोकेशन, वो तो वैसे भी आउट ऑफ इंडिया था बेटा, हाँ है ना। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और वहाँ पे वैसे भी रेसिपिएंट का लोकेशन आ रहा था बेटा। तो जब इंजीनियर इंडिया का है, सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करी, हाँ है ना, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, तो वहाँ पे टेंशन नहीं था, वहाँ तो वैसे भी रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं आ रहा था सबसेक्शन 2 की वजह से बेटा। पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस केस में वो टैक्सेबिलिटी के बाहर निकल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे उस इंडस्ट्री को टैक्सेबिलिटी के स्कोप में लाने के लिए एयरक्राफ्ट के केस में बोल दिया क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वापस बोलता बेटा मैं, कौन सी सर्विस बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स या ओवरऑल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजिन्स या एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और पार्ट्स के केस में अगर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है और रेसिपिएंट इंडिया का है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये इंपैक्ट आ रहा है, ये इंप्लीकेशन है। पर यहाँ पे ऐसा अलग से लिखा नहीं, पर इंपैक्ट उसी का आ रहा है बेटा। वापस बोलता बच्चा मैं, सर्विस कौन सी, रिपेयरिंग मेंटेनेंस ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन या एयरक्राफ्ट पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सर्विसेज अगर किसने भी दी है, किसको दी है, एनी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन, हु इज यूजिंग द एयरक्राफ्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज कहाँ परफॉर्म करी, कहाँ रिपेयर किया, उसे कोई कंसर्न नहीं है, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। माहौल पॉइंट खत्म होता है। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 239। बच्चों, अमेंडमेंट ये हुआ है कि जब मैंने आपको फुल कोर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक सर्कुलर विड्रॉ हो गया है। यस, वह सर्कुलर विड्रॉ हो गया है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दिया था जिसमें टेक्निकली इंटरप्रिटेशन के कुछ इश्यूज थे, इसलिए सर्कुलर को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। बोल दिया भाई झगड़े हो जाएंगे, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, क्लियर, इसलिए सर्कुलर को विड्रॉ कर दिया। सर्कुलर देख लीजिए पेज नंबर 239 पर, क्लेरिफिकेशन ऑन डाउट्स रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। जो कॉल सेंटर सर्विसेज थी, बैकएंड की सर्विसेज थी बेटा, हाँ ना, सपोर्ट सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग सर्कुलर था, उसको विड्रॉ कर दिया डिपार्टमेंट ने, क्योंकि उस सर्कुलर में कुछ इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आ रहे थे बेटा। क्लियर, आइए बच्चों अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 17A, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स। बच्चों, एक चैप्टर नंबर 11 जो पेमेंट ऑफ टैक्स है उसमें एक शानदार अमेंडमेंट हुआ है, उसकी वजह से ये सेक्शन लेके आया बेटा। मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा, वहाँ पे थोड़ा सा लिंक उसका देना पड़ेगा तो ये मजा आएगा। वैसे मैं आपको पूरा पॉइंट आगे पढ़ूंगा, पर हाँ यहाँ पे जितना रिलेवेंट है उतना बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर CGST के टैक्स में किसी एक मेजर हेड के माइनर हेड में कभी मान लो अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो आपको पता है किसी और मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में या उसी मेजर हेड के उसी दूसरे माइनर हेड में कभी काम नहीं आता। कैश लेजर की बात करूँ, क्रेडिट लेजर की बात नहीं करूँ मैं, ITC की बात नहीं करूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको पता है जिस मेजर हेड के जिस माइनर हेड में वो अमाउंट आपने सर रिचार्ज कराया एक तरह से, वो उसी मेजर हेड के उसी माइनर हेड के लिए काम आएगा। इनफैक्ट उसी मेजर हेड में किसी और माइनर हेड में भी काम नहीं आता है, दूसरे मेजर हेड की बात तो बहुत दूर की है। क्लियर, इसकी वजह से SEC के फंड्स कई बार ब्लॉक हो रहे थे बेटा कि गलती से उसने गलत रिचार्ज करा दिया। सर, उसने CGST टैक्स में अमाउंट जमा करा दिया जबकि उसको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना है। अब टैक्स में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, इंटरेस्ट में कम अमाउंट है, या इंटरेस्ट में अमाउंट ही नहीं है, या उसको CGST टैक्स में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करा दिया जबकि SGST का टैक्स उसको पे करना था साहब, या IGST का टैक्स पे करना था बेटा। अब कैश लेजर को किसी और में काम आता नहीं बेटा, इसलिए एक अमेंडमेंट हुआ जो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, और वहां लिख दिया क्लियर किया, आप एक फॉर्म है, फॉर्म GST PMT09, पेमेंट PMT09 नंबर का फॉर्म है, उसके थ्रू आप चाहे तो किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो किसी और मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में या उसी मेजर हेड के किसी और माइनर हेड में बेटा। मतलब एक मेजर माइनर हेड से दूसरे मेजर या माइनर हेड में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। क्लियर, अब अगर आपने फंड ट्रांसफर कर दिया तो सर इम्पैक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू पे आएगा ना बेटा, कैसे आएगा। मान लो मैंने
आईजीएसटी के टैक्स में या इंटरेस्ट में मैंने कोई अमाउंट रिचार्ज करवाया था साहब, अब मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उस अमाउंट को एसजीएसटी के टैक्स में ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने जब अमाउंट जमा कराया होगा, डिपॉजिट कराया होगा, वो तो आईजीएसटी फंड में क्या होगा, और आईजीएसटी फंड आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने उस फंड से अमाउंट ट्रांसफर करके एसजीएसटी फंड में ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो यार पैसा तो उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए ना यार, क्लियर। तो यहां पे सेक्शन नंबर 17 ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, पढ़ लीजिए, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट, मतलब आईजीएसटी, टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर एसजीएसटी एक्ट और द यूटीजीएसटी एक्ट, तो ऐसे केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ट्रांसफर टू द स्टेट टैक्स अकाउंट और द यूनियन टेरिटरी टैक्स अकाउंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आईजीएसटी के कैश लेजर से अगर आपने एसजीएसटी के कैश लेजर में कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है तो उतना फंड गवर्नमेंट को अपने फंड से निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी टैक्स के अकाउंट में डालना पड़ेगा बच्चों, हाँ है ना। तो गवर्नमेंट अपने फंड ट्रांसफर करेगा, ये सेक्शन नंबर 17 ऐड कर दिया, सेम सेक्शन सीजीएसटी में भी ऐड हुआ है, सेम सेक्शन एसजीएसटी एक्ट में भी ऐड हुआ है, ऑब्वियस बात है फंड ट्रांसफर तो होंगे ना बेटा, क्लियर डन। आइए सरकार, ये चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो गया है बच्चों, तो देखा जाए तो बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है। आइए, अननेसेसरी फालतू लोग हवा फैलाते कि बहुत सारा अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है मेजर। अच्छा एक बात और बच्चों, फाइनेंस एक्ट 2020, जी हाँ फाइनेंस एक्ट 2020 पास हो गया है, 30 अप्रैल 2020 से पहले पास हो गया है, पर नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए वो रिलेवेंट नहीं होता है। ICAI फाइनेंस एक्ट मई एग्जाम में ही पूछता है बेटा, इसलिए फाइनेंस एक्ट 20 के थ्रू जो अमेंडमेंट थे वो आपके नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। अच्छा वैसे भी फाइनेंस एक्ट 20 के थ्रू CGST एक्ट में केवल 3 छोटे छोटे अमेंडमेंट थे, वो भी कोई खास नहीं थे बेटा, क्लियर, छोटे छोटे दो और कोई खास अमेंडमेंट नहीं था बेटा, और उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आपके एग्जाम्स पर्पज़ के लिए बात करता हूँ, हाँ है ना, क्लियर। और कस्टम में तो कोई जो अमेंडमेंट हुए वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं आते बेटा, तो इसलिए फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट तो वैसे भी रिलेवेंट नहीं थे आपके लिए, नवंबर 20 के लिए रिलेवेंट भी नहीं है, और उसमें अमेंडमेंट वैसे भी वो ज्यादा हुए भी नहीं सर। ओके बच्चों आइए, पेज नंबर 291 मिला बेटा आपको, मेगा एग्जिबिशन लिस्ट पॉइंट नंबर 4 मिला होगा बेटा आपको, मैं तुम्हें पहले पॉइंट याद करा दूं बेटा, याद है बेटा MIDC का मैंने एग्जाम्पल दिया, याद करो एग्जिबिशन, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग क्या करता है, लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट लीज पे देता है बेटा, रेंट पे देता है, तो उसके अपफ्रंट अमाउंट पे जिसको सलामी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ना बेटा, लॉन्ग टर्म लीज के अमाउंट को वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट जो होता है उस पर GST एग्जम्प्ट होता है बेटा, याद आया, उसने वो प्लॉट लीज पे किसको दिया है, इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया है या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सर वो प्लॉट लीज पे दिया बेटा, हाँ है ना बच्चों, तो ऐसे केस में GST एग्जम्प्ट होता है, तो प्लॉट किसने लीज पे दिया बेटा, भाई इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया या फिर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, उसके लिए लॉन्ग टर्म लीज, मतलब 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग ने वो प्लॉट लीज पे दिया है, किसने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने या फिर एनी एंटिटी विच इज हैविंग 50% और मोर, क्या कितना बेटा 50% और मोर ऑनरशिप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली और थ्रू एन एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, हाँ है ना, तो सर ये लॉन्ग टर्म लीज के अमाउंट पे GST नहीं लगता था, वापस से बोलता हूँ बेटा मैं, ये लॉन्ग टर्म लीज पे किसने दिया बेटा प्लॉट, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने या अंडरटेकिंग ने या ऐसे किसी एंटिटी ने जिसने जिसके अंदर गवर्नमेंट का कितना स्टेक बेटा 50%, उसको कम करके कितना कर दिया 20%, ये अमेंडमेंट हुआ कुछ नहीं बस वापस बोलता बेटा मैं, सर कितना 20%, मतलब अगर किसी एंटिटी के पास किसी एंटिटी पे 20% और मोर होल्डिंग भी हो गया किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी का या एनी अदर एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में उस अंडरटेकिंग ने उस एंटिटी ने या स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग ने किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को या फाइनेंशियल बिजनेस करने वाले पर्सन को सर क्या दिया है,
प्लॉट लीज पे दिया है लॉन्ग टर्म लीज के लिए 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए, तो उसके लिए अपफ्रंट अमाउंट चार्ज किया है जिसको प्राइस बोलते हैं, सलामी बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, डेवलपमेंट चार्ज बोलते हैं, किसी भी नाम से बोलते हैं, उस अमाउंट पर GST नहीं लगता है। तो पहले 50% स्टेक होना चाहिए गवर्नमेंट का, अब कितना कर दिया 20%, कोई खास मेजर अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की कंपनीज का इसको बढ़ गया अभी बेटा, गवर्नमेंट के लिए जो एंटिटी जो ये काम कर सकती है उसका इसको बढ़ गया, गवर्नमेंट अपना पावर थोड़ा कम कर दिया। ओके साहब, प्लस यहाँ पे कंडीशंस भी ऐड कर दी बेटा। अभी क्या बेटा, मान लो MIDC मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ मैंने एक प्लॉट लॉन्ग टर्म लीज पे लिया 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए, किससे लिया, MIDC से लिया या ऐसी किसी एंटिटी से लिया जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 20% और मोर देन 20% था, तो उसके लॉन्ग टर्म लीज के अमाउंट पर टैक्स माफ था बेटा। पर वो मेरे को गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया क्यों, गवर्नमेंट ने उस पर एग्जम्पशन क्यों दिया, ताकि वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो बेटा, या फाइनेंशियल बिजनेस के लिए दिया तो फाइनेंशियल बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए बेटा। पर मैं तो साहब वहाँ पे कोई और ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट से जब वो प्लॉट लिया तब तो बोल दिया क्या, हाँ मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा और फिर प्लॉट लेके मजे मार रहा हूँ सर, मजे मतलब जिस पर्पज के लिए मेरे को प्लॉट मिला उस पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी और पर्पज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कंडीशन लगा कि दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर जिस पर्पज के लिए हमने प्लॉट दिया है उस पर्पज के लिए अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और साथ साथ बोल दिया क्या, गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, मॉनिटर भी करेगी साहब, देखती रहेगी कि आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे नहीं करें बेटा। क्लियर, ये कंडीशन ऐड किया, कोई खास बात नहीं है, क्लियर, पढ़ लो कंडीशन में देखना चाहता हूँ। फर्स्ट क्या लिखा बेटा, प्रोवाइडेड दैट द लीज्ड प्लॉट्स शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर अलॉटेड, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। सेकेंड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, शैल मॉनिटर एंड एनफोर्स द अबव कंडीशन एज पर द ऑर्डर इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, वो मॉनिटर करेगा साहब आप प्रॉपर यूज कर रहे कि नहीं कर रहे हो। थर्ड, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एनी वायलेशन और सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लैंड यूज, बाद में किसी और पर्पज में काम लेने लगे या कोई वायलेशन किया अगर आपने, ड्यू टू एनी रीजन व्हाट्स एवर, कोई भी कारण हो बताना मत कारण क्या, हम पूछेंगे भी नहीं, द ओरिजिनल लेसर ओरिजिनल लेजी एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लेजी और बायर और ओनर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब CGST के, ये तो CGST नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स, CGST SGST IGST IGST होगा नहीं CRS, एज वुड हैव बीन पेएबल ऑन द अपफ्रंट अमाउंट चार्ज फॉर द लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द प्लॉट बट फॉर द एग्जम्पशन कंटेंट हियर इन अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। मतलब अगर आपने वायलेशन किए तो सर हम आपसे टैक्स भी लेंगे, जो हमने एग्जम्पशन दिया वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, टैक्स लेंगे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। अच्छा ध्यान देना, आपने इस प्लॉट को आगे सब्सिक्वेंटली किसी और को लीज पे दे दिया या आपने किसी को बेच दिया और उसने अगर मिसयूज कर दिया तो आप ही नहीं बोलोगे सर उसने मिसयूज किया हम क्या करें, वो भी गए और आप भी गए, सेवरली एंड जॉइंटली लायबल होंगे साहब, समझे, दोनों लायबल होंगे बच्चों। एंड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, लास्ट क्या लिख दिया, अगर आप किसी के साथ सबलीज का एग्रीमेंट करते हो तो उसमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको कि इस पर्पज के लिए यूज करना है, किसी और पर्पज के लिए यूज किया तो टैक्स लग जाएगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। देखो सर, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द ओरिजिनल लेसर विद द ओरिजिनल लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी और सब लेसी एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लीज और सेल एग्रीमेंट फॉर लीज और सेल ऑफ सच प्लॉट्स टू सब्सिक्वेंट लेसीज और बायर्स और ओनर्स शैल इनकॉर्पोरेट इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपके एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन जो होगी उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्या, द फैक्ट दैट द सेंट्रल टैक्स वॉज एग्जम्प्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लीज ऑफ दीज प्लॉट्स बाय द ओरिजिनल लेसर टू द ओरिजिनल लेसी सब्जेक्ट टू द अबव कंडीशंस एंड दैट द पार्टीज टू द सेड एग्रीमेंट अंडरटेक टू कंप्लाई विद द सेम। मतलब आपने अगर सबलीज पे दिया है या ओरिजिनल लेजर ने लेसी को दिया है तो उसमें साफ साफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये जो एग्जम्पशन दिया है ये इस पर्पज के लिए दिया है और ये कंडीशन अगर आपने पूरी नहीं करी तो साहब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना चाहिए बच्चों। क्लियर, डन, भारत माता की जय, कोई खास बात नहीं था बेटा। तो वापस कंक्लूड करता हूँ बेटा, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट जो दे सकता है कौन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग या एनी अदर एंटिटी जिसमें 20% और मोर स्टेक है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी का या डायरेक्टली है या उनकी होली ओन्ड कंपनी का बेटा, होली ओन्ड एंटिटी का बेटा, हाँ है ना बच्चों। तो यार 20% स्टेक भी हुआ तो भी उसने अगर लीज पे दिया इस तरह के प्लॉट तो वो एग्जम्पशन के स्कोप में कवर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन लगा दी कि ये जो पर्पस के लिए हमने आपको लैंड दिया है प्लॉट दिया है उसी पर्पस में काम आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगा और अगर आपने वायलेशन किया तो सर ओरिजिनल लेसर लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी वगैरह जिसको भी आपने बेचा है
ये लीज भी दिया, वो सब जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए विद इंटरेस्ट और पेनल्टी प्लस एग्रीमेंट में के टर्म्स ऑफ दी टर्म्स एंड कंडीशन में ये क्लोज लिखा होना चाहिए बेटा, दैट्स इट, क्लियर, डन, भारत माता की जय। अच्छा आप जब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो एब्सोल्युटली सेम पॉइंट मिल जाएगा वापस बेटा, क्योंकि मैंने मेगा एग्जीबिशन चैप्टर के अंदर इसको दो जगह इस पॉइंट को कवर किया था, एक तो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में और एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज में, इसलिए मैंने दोनों बार आपको दे दिया, सो दैट आपके पास अगर 19th एडिशन है तो आपसे गलती से एक जगह अमेंड हो गया एक जगह नहीं हुआ ऐसा गलती नहीं हो जाए इसलिए बेटा, ओके। तो सेम पॉइंट मैंने रिपीट किया पेज नंबर 301 पे बेटा आपके लिए, एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस में भी पॉइंट आ रहा था और सेम पॉइंट मैंने रिपीट किया था गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस में, तो दोनों मैंने पॉइंट इसलिए आपको दिया बेटा। माहौल बस एक सिंगल अमेंडमेंट था मेगा एग्जीबिशन, केवल एक अमेंडमेंट बेटा। सर आइए चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम, रजिस्ट्रेशन TDS एंड TCS वाला चैप्टर जो हमारा है, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 में दो प्रोवाइज, एक प्रोवाइज एड हुआ और उसके बाद एक्सप्लेनेशन किया है, बच्चों कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट ने पावर एक्सरसाइज किया था, बस यहाँ पे एक्ट के थ्रू पावर का एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट करने का पावर दिया बेटा। अच्छा याद आया क्या बेटा कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो, अरे क्या सप्लाई करते हो, गुड्स एक्सक्लूसिवली, इफ यू आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट 40 लेख कर दिया था क्या, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू करी थी, पर एक्ट के अंदर वो नोटिफिकेशन देने का पावर नहीं था, तो कहीं आगे जाके अल्ट्रा वायरस नहीं हो जाए, इसलिए सर सेक्शन ने अमेंडमेंट सेक्शन में एक प्रोविजन ऐड करके ये पावर गवर्नमेंट को दे दिया बेटा। तो सब सेक्शन 2 में जो सेकंड प्रोविजन ऐड हुआ है वो पड़ेगा जहां पे मैंने ए लिखा है फर्स्ट ए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये बैरेक पार्ट है आगे पॉइंट सेम दे रखा बेटा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में, इस पॉइंट को मैंने तीन बार लिखा आगे बेटा, ये बैरेक पार्ट है फिर आगे दे रखा है फिर रेस्पेक्टिव जो पॉइंट आता है वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एनहांस द एग्रीगेट टर्न ओवर फ्रॉम 20 लाख रुपी टू सच अमाउंट नॉट एक्सेडिंग 40 लाख रुपी इन केस ऑफ सप्लायर हु इज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज बी नोटिफाइड। बस यहाँ पे एक्ट में प्रोवाइज एड करके गवर्नमेंट को पावर दे दिया, एक्ट की अथॉरिटी दे दी, बाकी नोटिफिकेशन तो पहले ही इशू कर देता इन्होंने अपने स्पेशल पावर यूज करके बेटा, डन। पर एक सुंदर एक्सप्लेनेशन नीचे ऐड किया बेटा, सर आप मुझे बताइए इफ यू आर एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स तो ही आप एलिजिबल हो बेटा। अब मान लो मेरी दुकान है, मैं पेन मार्कर कैलकुलेटर से बेचता हूँ बेटा, 40 लाख के अंदर अंदर टर्न ओवर है मेरा, एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करूंगा तो ही एलिजिबल बेटा मैं। अब मान लो मेरे को इंटरेस्ट का रेवेन्यू होता, ब्याज, ये ब्याज बहुत परेशान करता बेटा हर जगह। अगर मेरे को ब्याज का इनकम मन होता है बेटा, मैंने किसी को लोन दिया, एडवांस दे, मेरी FD है, बैंक में सेविंग अकाउंट है, अब मेरे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अर्न हो गया तो वो तो क्या है, एग्जम्प्ट तो है, बट दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल्दो एग्जम्प्ट है, पर सर यहां तो लिखा है क्या, यू शुड बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई लग गए फिर तो, फिर तो देश का कौन बिजनेसमैन इस प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल रहेगा बेटा, इसलिए लॉ में एक एरर था उसको क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया और साफ साफ लिख दिया क्या, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, लोन एडवांसेस डिपॉजिट आपने दिए, इंटरेस्ट और डिपॉजिट अगर आप अर्न करते हो तो भी आप एलिजिबल रहेंगे ये 40 लाख के बेनिफिट के लिए, और हम मानेंगे कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई करते हो पर इसके अलावा कोई और सर्विस का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट की इनकम अगर हुई तो आप एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब सेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जिम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, इवन इफ, देखो क्या लिखा है, ही शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जिम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन्स और एडवांसेज इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मतलब मैंने आपको फुल कोर्स से पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको कि लॉ में एक एरर है और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट का इनकम अर्न हुआ तो असेसी क्या करेगा, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया और क्लेरिफाई करके बोल दिया कि अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यही मानेंगे कि आपके गुड्स में ही एंगेज्ड हो बेटा। क्लियर, भारत माता की जय।
हाँ है ना बच्चों। तो अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम अर्न होता है, आई रिपीट, अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम अर्न होता है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे ये 40 लेख के बेनिफिट के लिए। अच्छा बच्चों एक हिडन बात बताऊँ मैं आपको, जो लोने नहीं बोली, देखो एक्सप्लेनेशन वापस पढ़ना बेटा एक बार। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शेल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स वगैरह, ठीक है साहब। अ पर्सन शेल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन अर्निंग इंटरेस्ट रेवेन्यू वगैरह। बेटा सर अगर आपका ब्याज का इनकम आता है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, पर ब्याज का जो इनकम आएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा बेटा। 40 लाख का जो लिमिट दे रखा है रजिस्ट्रेशन कराने का, उसमें इंटरेस्ट का इनकम तो काउंट करेंगे हम बेटा। मतलब मान लो आपका 30 लाख का टर्नओवर हो गया गुड सप्लाई करने का और 2 लाख रुपए का ब्याज अर्न हुआ बेटा, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 40 लाख का लिमिट आपका एग्रीगेट टर्नओवर 32 लाख हो गया ये मानेंगे बेटा। पर हाँ 32 लाख टर्नओवर हो गया, इसमें 2 लाख का इनकम किसका है, सर्विसेज का है जो इंटरेस्ट का इनकम है, पर ये मानेंगे कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में इंगेज थे, आप 40 लाख के बेनिफिट से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब 40 लाख के बेनिफिट से बाहर नहीं निकलेंगे ये इन्होंने कहा है बेटा, बस 40 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा पर एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट की इनकम को भी बच्चों। क्लियर, डन। आइए बच्चों अब ये पॉइंट मैंने 3 जगह रिपीट किया, देखो एक पेज ही दे दिया, नेक्स्ट पेज पे देखिए ये डायरेक्ट पार्ट था बेटा, नेक्स्ट पेज देखेंगे पेज नंबर 330, तो वहाँ पे भी नीचे एनालिटिकल व्यू में दोनों पॉइंट मैंने सेम ऐड कर दिए बेटा। क्लियर, तो ये पॉइंट भी हो गया बेटा, मतलब ये रिपीट ही गया बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जहाँ पे पेज नंबर 337 दे रखा है, जहाँ पे मैंने एक्चुअल नोटिफिकेशन दे रखा था 40 लाख वाला बेटा, वहाँ पे भी नीचे ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया बेटा। एक्सप्लेनेशन ऐड करके लिख दिया मैंने कि यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम अगर आपकी अर्न होती है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे इस बेनिफिट के लिए 40 लाख के रजिस्ट्रेशन के 40 लाख के लिमिट के लिए बेटा। तो ये एक्सप्लेनेशन वहाँ से उठा के मैंने यहाँ कॉपी भी कर दिया, रिलेवेंट पॉइंट के साथ रिलेवेंट पॉइंट आ जाए इसके लिए बेटा, ठीक है। तो पहले बैरेक्ट में दे रखा, फिर बैरेक्ट के बाद जस्ट मैंने सेक्शन में दे रखा और फिर उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिलेवेंट नोटिफिकेशन साथ में यहाँ पे दे दिया बेटा आपको, ओके, सो दैट सारे पॉइंट आपको रिलेवेंट प्लेस मिल जाए और आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कभी पढ़ते वक्त, क्योंकि एक पॉइंट आगे दे रखा और पीछे नहीं दिया वापस है तो वहाँ आपको मिस होने के चांस हो सकते हैं बेटा, इसलिए मैंने रिपीट किया। तो देखो बेटा एक जगह पढ़ा 3 पॉइंट कवर हो गया, इसलिए नंबर ऑफ पेज अगर अपने अमेंडमेंट के देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, पर टाइम कम लगेगा, क्यों, एक पॉइंट को हो सकता है मैंने 3 जगह लिखा हो, क्योंकि बुक पूरा आपका जो आपको मैंने दे रखा है उसमें कहाँ कहाँ चेंज होंगे आपको पता चलना चाहिए बेटा, और इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। माहौल आइए सर, पेज नंबर 345, अरे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में एक शानदार पॉइंट ऐड हो गया है, और शानदार पॉइंट क्या ऐड हुआ पांडे जी, ये ऐड हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप अप्लाई करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ेगा, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्लियर, समझे। तो जब आप फॉर्म जीएसटी REG01 फिल करेंगे, पार्ट ए फिर पार्ट बी फिल करेंगे, तो पार्ट बी के साथ में आपको आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ेगा। क्लियर, आधार से ओटीपी, आधार नंबर डालेंगे आप, ओटीपी वगैरह आएगा और वेरीफाई करेंगे तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना हो पाएगा। क्लियर, पर सर अब आगे कुछ बातें और कही है इसके रिगार्डिंग। तो देखो पेज नंबर 345 पे जहां मैंने ए लिखा है आगे लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वाइल सबमिटिंग द अफोरसेड एप्लीकेशन द एप्लीकेंट शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर, अब साहब आगे ये कह दिया कि अगर, सुनना बच्चों, अगर मान लो किसी एसएससी को आधार नंबर अलॉट ही नहीं हुआ, उसके पास आधार नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में अब उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या ऑप्शन है। तो देखो ये प्रोविजन का, ये तो देखो प्रोसीजर देखा रूल के अंदर, सेक्शन नंबर 25 के अंदर, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6A, सबसेक्शन 6B, सबसेक्शन 6C और सबसेक्शन 6D ऐड किए, जो आपको 2 पेज बाद मिलने वाले बेटा, उसके थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिला और वहां से इन्होंने ये आधार ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट रूल में ऐड किया बेटा। और यहां पे साफ साफ लिख दिया, वहां पे एक्ट में लिख दिया इन्होंने कि अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन कराने में फेल हो जाता है तो अल्टरनेट वायबल मीन्स उसको दिया जाएगा,
आधार और उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए. और अल्टरनेट बाइबल मीन्स क्या देखा बेटा, जिस असेसी ने, जिस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का असेसी डिपार्टमेंट ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा. और फिजिकल वेरिफिकेशन करके वो देखेगा इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. वापस बोलता बेटा, वापस पॉइंट. एवरी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 नीड्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन. और अगर इफ द असेसी फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे केस में जिस दिन उसने अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन उसके 60 डेज के अंदर अंदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के पास आए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ दैट असेसी, दैट पर्सन की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रीमाइसेस का एज पर प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 25. और 60 डेज के अंदर वो फिजिकल वेरीफाई कभी भी कर सकता है. और फिजिकल वेरिफिकेशन उसने किया, वो सेटिस्फाई हुआ, तब जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिलेगा. अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए बेटा. सर आपने तो कहा था कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हम जैसे ही अप्लाई करते हैं उसके 3 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, नहीं तो फिर और अगर डिपार्टमेंट को कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए ऑफिसर को तो नोटिस भेज देगा. अब अगर 3 दिन में उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम मान लेते कि अप्रूवल हो गई एप्लीकेशन साहब. और यहाँ पर तो आप बोल रहे हो 60 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तो यहाँ पर जो डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन का जो रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 है, वहाँ पे भी एक प्रोविजन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो जाता है तो डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को टाइम देगा, दिया हुआ 60 दिन का. तो सिंस उसको हमने टाइम ही 60 डेज का दे रखा है, तो आपका डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो 3 दिन का वक्त दिया, या हमने कोई नोटिस इशू किया उसे 7 दिन में रिप्लाई नहीं आया या 7 दिन में डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया, तो डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होता है बेटा, तो वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे. मतलब 60 दिन का वक्त डिपार्टमेंट को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीम्ड अप्रूवल वाले प्रोविजन यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में अप्लाई नहीं होंगे. पढ़ लीजिए लैंग्वेज बेटा, पेज नंबर 346 पर बीच में देखिए ए लिखा हुआ है. हाउएवर, देखो बॉक्स में हेडिंग मिला होगा डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बेटा, रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 में. हाउएवर वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A, देन द रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 25. एंड आगे क्या लिखा, एंड दीज प्रोविजन ऑफ डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केसेज. क्लियर, पक्का बच्चो, डन. तो सर आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाए, फेल हो गए, तो जिसने आपने अप्लाई किया उसके 60 डेज के अंदर वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन, और उसके बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा बेटा. और वहाँ पे डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन का 3 दिन वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. ओके, अगले पेज पे आके देखेंगे कि अब आधार ऑथेंटिकेशन करवाना तो किन किन को करवाना है. पहली बात तो ये, सबको करना है, मैंने जनरल बात कही बेटा, पर सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6B और 6C ने कुछ पर्सन को नोटिफाई किया और बोला इन्हीं को आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, सबको नहीं कराना बेटा. सुनो बच्चों, पेज नंबर 346A मिला बेटा आपको, नेक्स्ट पेज तो होगा बेटा 346A. हेडिंग देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6A 6B 6C एंड 6D. In exercise of the powers conferred by section 25 subsection 6B and 6C of CGST Act 2017 with effect from 1st April 2020 while applying for registration, the following persons shall undergo authentication of Aadhaar number as specified in rule number 8 of the CGST rules in order to be eligible for registration. In following logo ko kya karna padega, Aadhaar authentication karana hai, sabko nahi karana pada. पर हाँ मेजरली सब लोग कवर हो रहे हैं इसमें. सर किनको कराना है, इंडिविजुअल को. सेकंड, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है सारे टाइप्स के, सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा. थर्ड, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज्ड पार्टनर्स. एंड थर्ड एंड फोर्थ, कर्ता ऑफ एन HUF. आई रिपीट, इंडिविजुअल, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, देन पार्टनर्स जितने भी मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर है वो, और कर्ता ऑफ एन HUF, इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा. क्लियर, पर हाँ
अगर ये आधार ऑथेंटिकेशन कराने में फेल हो जाते बेटा, तो ऐसे केस में जो मैंने आपको पढ़ा है वो यहाँ रिपीट किया हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ही उसको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो पाएगा अगर एवरीथिंग इज फाउंड ओके, और यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, रिपीट कर दिया बेटा, क्लियर डन। फिर एक नोट दिया बेटा, एज पर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6A ऑफ द CGST एक्ट 2017, एवरी पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST शेल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो सच ऑथेंटिकेशन। बच्चों 1 अप्रैल 2020 के बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उन पे तो आधार ऑथेंटिकेशन है, बट वॉट अबाउट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है GST में? तो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6 ए बोलता है उन सबको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, मतलब लाखों लोग जो GST में रजिस्टर्ड है उन सबका भी अब आधार ऑथेंटिकेशन होगा, पर फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, पर अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखो बट दिस सबसेक्शन इज नॉट येट मेड एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज नॉट येट नोटिफाइड, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ सकता है अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया इसको। तो अभी तो किस लिए एप्लीकेबल हुआ बेटा? जो भी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है। अभी जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तब करवाना पड़ेगा सब। और किन किन कराना बेटा? इंडिविजुअल को ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स एंड कर्ता ऑफ एन HUF, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D ने बोला कि फॉलोइंग को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है। किसको? एक तो इन चार लोगों को छोड़ के किसी को भी नहीं कराना। और सेकेंड को लिख दिया अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पढ़ लो, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D ऑफ द CGST एक्ट, while applying for registration the aadhaar authentication is not required in case of following classes of persons, first a person who is not a citizen of india, second a class of person other than the following class of person, ye charo log individual authorized signatory of all types managing and authorized partners and karta of HUF, in charo ke alawa koi aur person hai to usko bhi aadhaar authentication nahi karwana beta, clear done। sir ab ye physical verification wala jo provision tha wo tha rule number 25 mein। पहले क्या हुआ करता था बेटा? पहले यह लिखा था कि आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी भी SSC का फिजिकल SSC के प्लेस ऑफ बिजनेस का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ऐसा पहले प्रोविजन था। पर अभी सिंस वो आधार वाला पॉइंट यहाँ लिंक कर दिया इसलिए इसके अंदर आधार वाले प्रोविजन को भी ऐड कर दिया और रूल नंबर 25 में लिख दिया क्या, अगर एनी पर्सन फेल हो जाता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, या फिर आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन एनी केस, मतलब देखो किसी भी केस में ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने के बाद तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, पर हाँ आधार केस में तो कंपलसरी है अगर आधार ऑथेंटिकेशन कराने में कोई पर्सन फेल हो गया तो बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आधार ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो गया तो बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा बेटा। और सर जिन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी हो गया, डिपार्टमेंट के पास वैसे भी पावर है कि वो चाहे तो किसी भी केस में फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेटा, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेट कर दिया इस पॉइंट में, पढ़ लीजिए रूल नंबर 25 वापस से, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन, पहले रजिस्टर्ड पर्सन था काट दिया क्योंकि बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी फिजिकल वेरीफाई कर सकता है अगर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो, इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो किसी भी कारण से, ही मे गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन डन एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, उसने फोटोग्राफ लिए होंगे, वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाया होगा, शैल बी अपलोडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन द GST कॉमन पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन, जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्लियर इंक्लूडिंग फोटोग्राफ को वो अपलोड कर देगा और कॉमन पोर्टल पर आपको भी मिलेगा बेटा। ये तो पहले ही पॉइंट था बेटा, क्लियर डन। तो कुल मिला के रूल नंबर 25 में फिजिकल वेरिफिकेशन जो प्रोविजन था उसमें अमेंडमेंट करके बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कोई फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो यू कैन डू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसिस ऑफ SSC,
पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, क्लियर डन माहौल। ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आधार ऑथेंटिकेशन का पॉइंट भी खत्म होता है, कैलकुलेटर भी खत्म गिरता है अब। ओके सुना नहीं चाहिए वैसे भी मेरे को सर, पॉइंट मेरा आपसे ये अगला टॉपिक TCS सर बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है। TCS में ये बोल दिया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में ये बोल दिया है, अरे भाइयों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर याद है TCS, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई कर रहे हो, जहां पेमेंट जो आता है बायर जो पेमेंट देता है वो पहले ECO के अकाउंट में जाता है और फिर ECO सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो ऐसे केस में ECO शैल बी लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, याद आया बच्चों आपको, और उसको मंथली 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक अरे स्टेटमेंट ऑफ TCS सबमिट करना पड़ता है, याद है बच्चों आपको GSTR 8 के फॉर्म में, एंड उसको एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है, एनुअल स्टेटमेंट 31st December या उससे पहले पहले, याद है बच्चों आपको। पर यहां पर दोनों सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो इस ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग मंथली स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट की ड्यू डेट को वो शिफ्ट कर सकता है, हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेज आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। तो क्या हुआ, पावर दिया कमिश्नर को और कुछ नहीं बेटा। और सर वैसे भी गवर्नमेंट अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करके कई बार ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ TCS स्टेटमेंट को शिफ्ट भी किया है बेटा, हाँ है ना, बस अगेन ऑथेंटिकेशन दे दिया बेटा, लॉ का पावर दे दिया कमिश्नर को बेटा। और हाँ अगर SGST एक्ट में कोई स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ने अगर कभी भी SGST एक्ट के अंदर SGST एक्ट के पावर के थ्रू अगर उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर को ECO को बोल दिया TCS स्टेटमेंट फाइल करने का ड्यू डेट हमने एक्सटेंड कर दिया, तो वो CGST के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये भी यहाँ लिख दिया बेटा, क्लियर कोई खास बात डन। तो सरकार ये पेज नंबर 364 यहाँ पे दो ए दे रखे, सबसेक्शन 4 में फर्स्ट ए तो बोलता है कमिश्नर को पावर दिया है, सेकंड ए बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ने अगर एक्सटेंशन दिया है तो CGST एक्ट में भी वो माना जाएगा एक्सटेंशन, क्लियर। सबसेक्शन 5 एनुअल स्टेटमेंट का था बेटा, यहाँ पे भी सेम दोनों लाइन लिख दी बेटा कि कमिश्नर को पावर है कि ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, और उसमें प्रोविजन ये लिख दिया कि साहब अगर स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ने SGST एक्ट के पावर को यूज करके अगर कभी ड्यू डेट एक्सटेंड करी तो वही CGST एक्ट में भी एप्लीकेबल होगी बेटा, क्योंकि CGST और SGST पैरेलल चलते बेटा सारे, क्लियर डन। तो ये पेज में 364 और 365 में जो डायरेक्ट पार्ट दे रखा था इसमें पॉइंट थे, और यही आगे पेज में 367 में मैंने रिपीट किया बेटा तो देखा जल्द तीन पेज खत्म हो गए बेटा आपके। तो ये तो बुक के पेजेस मैंने आपको फोटोकॉपी करके दे रखे, बाकी अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, क्लियर माहौल सरकार। ओके तो सर ये पेज में 367 पे जो फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट बाय ECO है वहां पे ए करके मैंने मंथली और एनुअल स्टेटमेंट को शिफ्ट करने का पावर जो दे रखा है, जो मैंने आपको आगे पढ़ा है वो यहाँ एनालिटिकल व्यू में दे रखा है बेटा अपनी लैंग्वेज में, क्लियर डन। सर बहुत शानदार पॉइंट, पेज में 372 ए चैप्टर नंबर 11 चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। सर यहां पे लिखो वेरी वेरी गुड पॉइंट, पर इसका भी हिंट मैं आपको दे चुका हूं अभी चैप्टर 8 पढ़ते वक्त। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको पता है मेजर रेट कौन कौन से, CGST SGST IGST UTGST या GST कंपोजिशन सेस, माइनर रेट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और अदर अमाउंट। सरकार एक मेजर रेट के एक माइनर रेट में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मैं कैश लेजर की बात कर रहा हूँ, ITC की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश लेजर ई वॉलेट अगर आपने एक मेजर रेट के किसी माइनर रेट में कोई कैश लेजर को रिचार्ज कराया है अमाउंट जमा कराया है तो किसी और मेजर रेट के किसी भी माइनर रेट में काम नहीं आएगा, इनफैक्ट वो उसी मेजर रेट के किसी और माइनर रेट में भी काम नहीं आता, ये पहले भी था अभी भी है बेटा, क्लियर। पर पहले क्या होता था बेटा, अगर गलती से आपने मान लो किसी एक माइनर रेट में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करा दिया जबकि कुछ अमाउंट दूसरे माइनर रेट में जमा कराना था बेटा, तो पहले क्या था बेटा आपको उस माइनर रेट से अमाउंट रिफंड के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर आपके अकाउंट में रिफंड आता था बेटा, फिर आप वापस से उस दूसरे
माइनर रेट में या मेजर रेट में अमाउंट ट्रांसफर करते थे बेटा, जमा कराते थे बेटा, तो गवर्नमेंट से रिफंड लो, फिर वापस से उस अमाउंट को दूसरे माइनर रेट में डिपॉजिट कराओ बेटा, ऐसे अच्छा डायरेक्ट इस अकाउंट से उस अकाउंट डाल देना यार। तो बस उस मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट हमारी बात सुन ली और बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या, कर दे ट्रांसफर मंगल ऐश कर, और बोल दिया क्या, एक मेजर रेट से दूसरे मेजर रेट में या एक माइनर रेट से दूसरे माइनर रेट में, भले वो सेम मेजर रेट का हो या किसी और मेजर रेट का माइनर रेट हो, किसी भी मेजर रेट से किसी भी दूसरे मेजर रेट में या किसी भी एक माइनर रेट में किसी भी दूसरे माइनर रेट में, भले वो सेम मेजर रेट का हो या अदर मेजर रेट का हो, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो फॉर्म नंबर GST PMT 09 के थ्रू। और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मेजर हेड के माइनर हेड में से कुछ फंड ट्रांसफर करके किसी और मेजर हेड के माइनर हेड में डाला है, तो हम ये मानेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर मेजर हेड के माइनर हेड में से उतना अमाउंट रिफंड ले लिया, और जिस पर्टिकुलर मेजर हेड के माइनर हेड में आपने फंड ट्रांसफर किया है वहां पे आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, खत्म प्रोविजन खत्म बेटा। तो कुल मिला के पहले जो सिस्टम था कि आप पहले रिफंड लो गवर्नमेंट से कैश से, फिर आप वापस से अमाउंट जमा कराओ सही मेजर हेड के माइनर हेड में बेटा, तो सर उस तकलीफ को दूर करके डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। और हाँ, जितना फंड ट्रांसफर हुआ है एक मेजर से दूसरे मेजर में, गवर्नमेंट भी अपने फंड्स को क्या करेगी, मूवमेंट करेगी बेटा, और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट से फंड ट्रांसफर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड दे देगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से स्टेट गवर्नमेंट को गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे देगी बेटा। ये प्रोविजन ऐड हुए, कोई खास बात नहीं, फिर भी एक रीड कर लो बेटा। सर हेडिंग दी पॉइंट नंबर 8 में मैंने, ईच ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द मेजर एंड माइनर हेड्स परमिसिबल, तो नीचे मैंने प्रोविजन दिया बेटा, अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल इटसेल्फ ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट, क्योंकि ये CGST एक्ट है तो CGST बात कर रहा है बेटा, टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST CGST SGST UTGST और सेस इन फॉर्म नंबर GST PMT 09 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। जिस फंड से निकला है उस मान लेंगे वहाँ से रिफंड दे दिया हमने सब, और जिस फंड में गया है वहाँ डिपॉजिट हो गया बेटा। देखो पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा है, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट, होता ना CGST फंड में आपने ट्रांसफर किया हो SGST से बेटा, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट द सेम शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड अंडर द सेड लेजर। क्लियर, फंड गया तो रिफंड मान लेंगे, फंड आया तो डिपॉजिट मान लेंगे बेटा। नोट क्या लिखा, सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर IGST एज वेल एज SGST रेस्पेक्टिवली ऑल्सो बेटा, ऑब्वियस ही बात है। एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट क्या है, मेजर हेड रेफर्स टू IGST CGST SGST और UTGST और एंड GST कंपोजिशन सेस, माइनर हेड रेफर्स टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी एंड अदर्स। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट फ्रॉम वन मेजर और माइनर हेड कैन बी ट्रांसफर टू अनदर मेजर और माइनर हेड, द अमाउंट फ्रॉम वन माइनर हेड कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अनदर माइनर हेड अंडर द सेम मेजर हेड, द अमाउंट फ्रॉम वन मेजर हेड कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अनदर मेजर हेड ऑल्सो बेटा, फर्दर द अमाउंट फ्रॉम वन माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड कैन बी ट्रांसफर टू एनी ऑफ द माइनर हेड ऑफ एनी ऑफ द मेजर हेड बेटा। और ऑब्वियसली अमाउंट ट्रांसफर करना है, अमाउंट होगा तो ट्रांसफर करेगा ना, बागल जी बात करता है, अमाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेड हेड ओनली इफ द बैलेंस अंडर दैट हेड इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। CGST टैक्स में अमाउंट है जीरो और तू बोलता है मेरे को 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है, तो 10,000 हो गए तो ट्रांसफर करेगा ना, पागल जी बात करता है। क्लियर डन। और पॉइंट नंबर 9 बोलता है क्या, जितना आपने फंड ट्रांसफर किया, जितना ये अमाउंट ट्रांसफर किया उतना गवर्नमेंट को अपने फंड्स को मूवमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ सर्टन अमाउंट्स इंटर गवर्नमेंट अकाउंट फंड ट्रांसफर बेटा, सेक्शन नंबर 53A एड हुआ बेटा इस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा, पढ़ लीजिए सेम पॉइंट हमने पढ़ा था IGST एक्ट में बेटा, ठीक है ना, वो IGST एक्ट के रेस्पेक्ट में था, ये CGST एक्ट के रेस्पेक्ट में, सेम पॉइंट SGST एक्ट में ऐड हुआ है बेटा, SGST एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आता बेटा। वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर SGST एक्ट और UTGST एक्ट, तो ऐसे केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ट्रांसफर टू द स्टेट टैक्स अकाउंट और यूनियन टेरिटरी टैक्स अकाउंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, फंड ट्रांसफर करेगा बेटा, मूवमेंट कर देगा कि भाई जब SSC ने CGST टैक्स निकाल के SGST टैक्स से इंटरेस्ट डाल दिया है तो उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में से पैसा निकाल के स्टेट गवर्नमेंट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा बेटा। क्लियर माहौल। पेज नंबर 376 अगेन एक छोटा सा पॉइंट है पर अच्छा पॉइंट है सर, चिंटू सा
रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A मिला माहौल। रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A क्या कहता है, इधर ध्यान, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा लग गया, खत्म, मतलब ये खत्म नहीं, पॉइंट खत्म। सर ये बोला है, मान लो कभी भी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, बेटा वैसे ये पॉइंट रिफंड में भी दे रखा मैंने, क्योंकि रिफंड से रिलेटेड पॉइंट है बेटा, वहां से लिंक होगा ये पॉइंट। अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया, नॉर्मल कोर्स में आपने टैक्स पे किया, रिफंड के लिए अप्लाई किया बेटा, तो जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रिफंड मिलेगा, अगर आपका रिफंड सेंक्शन हो गया तो रिफंड मिलेगा बेटा आपको। अब तकलीफ क्या थी बेटा यहाँ पे, जैसे 14 रुपये की लाइब्रेरी थी आपने पे कर दी बेटा, अब 14 रुपये की लाइब्रेरी जब आपने पे करी हुई ओरिजिनली, उस टाइम आपने 10 का क्रेडिट यूज़ किया मान लो और 4 रुपये टैक्स पे किया, मान लो टोटल 14 लाख की लाइब्रेरी थी, 10 लाख का ITC अवेलेबल था और 4 लाख का इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व मिला था आपने, तो आपने क्या किया होगा बेटा, 10 लाख का ITC यूज़ किया होगा और बैलेंस 4 लाख कैश लेजर से पे किया होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कितना पे किया बेटा, 10 लाख और कैश लेजर से 4 लाख। अब मान लो बाद में पता पड़ा कि ये टैक्स पे नहीं करना था या टैक्स रिफंडेबल है, अब 14 लाख टैक्स नहीं लगता, 14 लाख रिफंडेबल है, तो जब रिफंड अगर आपका सेंक्शन हो गया, अब 14 लाख पूरा अगर आपको कैश में रिफंड देते गवर्नमेंट, आपको चेक देते, ऑनलाइन ट्रांसफर करते बेटा, तो एक तरह से तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 10 लाख का रिफंड मिल गया बेटा अपने को। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, हम आपको जब रिफंड देंगे तो हम ये देखेंगे कि आपने कितना ITC यूज़ किया था और कितना कैश बैलेंस यूज़ किया था, जितना आपने ITC यूज़ किया उतना प्रोपोर्शनेट हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फंड ट्रांसफर करेंगे, और जितना आपने कैश के थ्रू पे किया उतना हम आपको रिफंड देंगे देंगे कैश में बेटा, हाँ है ना। मतलब ऐसे केस में 14 लाख का मान लो रिफंड सेक्शन हो गया, तो 10 लाख तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट करेंगे आपको और 4 लाख ही आपको कैश में रिफंड देंगे मैडम। अगर सोचो आप अगर पूरे 14 लाख का रिफंड देते तो इसका मतलब तो आपने 10 लाख का ITC का भी रिफंड ले लेना बेटा यार, और आपको पता है ITC का कभी रिफंड मिलता नहीं बेटा, इसलिए गवर्नमेंट ने भी दिमाग लगाया और सर गवर्नमेंट को पॉइंट समझ में आया बाद में, और हाँ यार हम तो पागल बन रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पॉइंट ऐड करके बोल दिया क्या, कि अगर कभी भी रिफंड सेक्शन होता है तो जब हम रिफंड देंगे आपको तो रिफंड देते वक्त हमें ध्यान रखेंगे कि आपने टैक्स जो ओरिजिनली पे किया था, जिसका आप रिफंड ले रहे हो वो कैसे पे किया था, जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे किया था उतना अमाउंट हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही डालेंगे, ITC बैलेंस में डालेंगे बेटा, और जितना आपने कैश के थ्रू पे किया था वही आपको कैश के थ्रू रिफंड देंगे बेटा, क्लियर डन। ये रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A खत्म होता है। अब पढ़ लीजिए बेटा इसको, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स रॉन्गली पेड और पेड इन एक्सेस फॉर विच डेबिट हैज बीन मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, द सेड अमाउंट इफ फाउंड एडमिसिबल, अगर रिफंड एडमिसिबल होता है तो द सेड अमाउंट शैल बी रिक्रेडिटेड टू दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओनली बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बेटा, हाँ है ना माहौल। तो सर जितना आपने क्रेडिट के थ्रू पे किया था अगर वो अमाउंट रिफंडेबल होता है तो उतना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालेंगे हम, कैश रिफंड नहीं देंगे बेटा, माहौल। सरकार आइए बच्चों अगली बात की तरफ बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट चैप्टर नंबर 12 देखा हो तो लगभग हर चैप्टर में चेंजेस है बेटा, हर चैप्टर में अमेंडमेंट है, पर बहुत भारी अमेंडमेंट नहीं है बेटा, अच्छे है, छोटे छोटे अमेंडमेंट है। आइए वैसे मैं बताता हूँ अगला अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, लिखा भी मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 4A मिला होगा, टैक्स इनवॉइस टू हैव QR कोड, आपने देखे होंगे बार कोड होते बेटा QR कोड, तो यहाँ बोल दिया क्या कि जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड होता है 500 करोड़, कितना 500 करोड़, और वो अगर B2C इनवॉइस इश्यू करता है तो उसको QR कोड भी मेंशन करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस बेटा, B2C इनवॉइस के केस में बेटा, पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 2020 से, कब से बेटा 1 अक्टूबर 2020 से नोटिफाई हुआ है, और सिंस एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2020 तक नहीं हुआ इसलिए एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। हाँ गवर्नमेंट को पावर मिल गया था वो एप्लीकेबल है, पावर क्या था बेटा, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, फर्स्ट जो पैराग्राफ वो पढ़ लो, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मेंशन देयर इन स्पेसिफाई दैट टैक्स इनवॉइस शैल हैव क्विक रेस्पॉन्स कोड, ये रूल नंबर 46 में प्रोवाइजो ऐड हुआ बेटा, जो प्रोवाइजो ऐड तो हो गया 1 अप्रैल 2020 से, पर इसका एप्लीकेबल कब से किया बेटा 1 अक्टूबर 2020 से, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा टॉप में हेडिंग में टैक्स इनवॉइस टू हैव QR कोड, देखिए पॉइंट नंबर 4A हेडिंग जो हम देख रहे हैं टैक्स इनवॉइस टू हैव QR कोड ब्रैकेट में लिखा है क्या,
not relevant for November 2020 exams as it is not made effective till 30th April 2020. Okay, बच्चों, तो QR code applicable होगा but 1st October 20 से होगा बेटा. जिनका भी aggregate turnover in a financial year exceed करता है 500 crore उनके लिए होगा सर. ओके, और B2C वाले investors के लिए होगा बेटा ये. ओके, और कुछ exception है पर वो 1st October 20 से applicable है, इसलिए November 20 exams के लिए relevant नहीं है. आइए सरकार अगले पेज पे देखते हैं. पॉइंट हम अगेन पॉइंट नंबर सिक्स एज एड हुआ है, ये भी नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अगेन ये भी 1st October 20 से ही रिलेवेंट हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है. ओके, पर फिर भी देख लीजिए बेटा, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स. बच्चों अगेन मैंने यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है नॉट रिलेवेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स एज इट इज नॉट मेड इफेक्टिव टिल 30th April 2020. वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 100 करोड़, और अगर आप B2B बिल इशू करते हो तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट्स बना दी है. जी हाँ साहब, e-invoice1.gst.gov.in, e-invoice2.gst.gov.in, इस तरह की कुछ 9-10 वेबसाइट बनाई है और उसके थ्रू आपको इनवॉइस जनरेट करके ही इशू करना पड़ेगा. समझे मेरी बात बच्चों? कुछ एक्सेप्शन दिए पर अगेन ये एप्लीकेबल किया कब से? 1st October 2020 से, और वो जब आएगा तब से एप्लीकेबल होगा, इसलिए रिलेवेंट अभी नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए नहीं है. फिर भी मैंने आपको दे रखा है, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इसके प्रोविजन तो आ गए थे उससे पहले, इसलिए. पर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ 1st October, अरे एप्लीकेबल नहीं हुआ 30th April 2020 है उससे पहले, इसलिए. ओके, माहौल डर, सर डर के आगे जीत है, सरकार एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी ये. ओके सर, आओ नेक्स्ट पॉइंट. तो ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से किन लोगों को? जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस होता है उनको, और B2B बिल को बेटा. B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन को बिल दिखा है तो. ओके, अदरवाइज नहीं. और कुछ एक्सेप्शन है पर वो भी ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है बच्चों. आइए नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है टैक्स इनवॉइस चैप्टर का, पेज नंबर 401A, सेक्शन नंबर 31A. अगेन बेटा सेक्शन आया है पर नोटिफाई नहीं हुआ, पर हाँ सेक्शन में पावर क्या दिया वो देख लीजिए बेटा. हेडिंग है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट. द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस हु शैल प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय हिम एंड गिव ऑप्शन टू सच रेसिपिएंट टू मेक पेमेंट अकॉर्डिंगली इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब. और कोई कंडीशन, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, क्योंकि यहाँ बोला कि हमें क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को प्रिस्क्राइब करेंगे, अब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया बेटा. तो पावर आया सेक्शन के थ्रू पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई किया है अब तक तो किया नहीं, इसलिए एग्जाम्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बेटा. पर हाँ सेक्शन ने क्या बोला बेटा कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकती है, और नोटिफाई करके बोल देगी क्या इन लोगों को, अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट का फैसिलिटी देना पड़ेगा, और जिस तरह से हम बोलेंगे उस तरह से ही कस्टमर इनको पेमेंट करेंगे बेटा. क्लियर, समझे मेरी बात? मतलब एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करेंगे ये लोग, कस्टमर से कैश ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए इस तरह का सेक्शन लेके आया बेटा ये लोग, सो दैट एक नंबर के ट्रांजेक्शन बढ़े और टैक्स एविजन कम हो. तो सर वो QR कोड, ई इनवॉइस, ये डिजिटल पेमेंट, ये सब बोगस बिल को रोकने के लिए, टैक्स इविजन को बचाने के लिए स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है बेटा. ओके, अभी तो COVID-19 आ गया, तो 1st October से भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा ये वाले नोटिफिकेशन? इस सेक्शन नंबर 31A का नोटिफिकेशन कब आएगा एवरीथिंग इज अनसर्टेन. पर हाँ नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इतने रिलेवेंट इसलिए नहीं क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ बेटा. आइए एक और सर्कुलर जो आपको ऑलरेडी आता है बेटा, पर हाँ देखिए ध्यान से, हेडिंग पढ़िए, सर्कुलर है, दीज आर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट. मैं चाहूँगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ और आप आंसर दिमाग में सोचे और मैं आपको आंसर बताऊँ, हम आप यह आंसर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर मैं सुन नहीं सकता, दिल से ज़रूर सुन लूँगा मैं आपके आंसर, आप दिल से बोलिएगा. माहौल सर, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड रिफंड वाउचर्स इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा. ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता तो क्या करते रहे? पढ़ो, आपको आता ना क्रेडिट नोट इश्यू करने का? क्लियर, अगर आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया तो क्रेडिट नोट इश्यू कर देना उसके बाद में. पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 1, एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच सब्सिक्वेंटली गॉट कैंसल्ड. द सप्लायर हैज ऑलरेडी इशूड द इनवॉइस बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड पेड द GST देयर ऑन. उसको एडवांस आया, उसने इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उसने उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में GST जो था वो गवर्नमेंट को पे भी कर दिया.
whether he can claim refund of tax paid or is he required to adjust his tax liability in his returns. तो साहब क्लेरिफिकेशन क्या है, अरे भाई एडवांस आया, तूने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो क्रेडिट नोट इशू कर दो। अगर कभी भी आप किसी को टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हो, टैक्स पे कर देते हो, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो यू कैन इशू अ क्रेडिट नोट टू द रेसिपिएंट। और क्रेडिट नोट अगर इशू किया है तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, उस मंथ की लायबिलिटी से आपका ये अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर मान लो इन केस अगर आपकी लायबिलिटी उस मंथ में नहीं थी, तो आप चाहे तो रिफंड क्लेम भी कर सकते हो थ्रू फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो कॉलम आता है उसके थ्रू आप रिफंड क्लेम कर सकते हो बच्चों। पर हाँ, अगर आपने कभी क्रेडिट नोट इशू किया है तो आपकी लायबिलिटी तभी कम होगी, आप रिफंड के लिए तभी एलिजिबल होंगे, अगर बायर ने आईटी से नहीं लिया तो, और आईटी से लिया तो उसने आईटी से रिवर्स किया होना चाहिए बेटा। क्लियर, डन, मतलब कोई नया पॉइंट नहीं था, ये आपको आता है वही है बेटा। सेकंड क्या है, एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बेटा गुड्स की किसी बात नहीं कर रहा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली। ओके, एडवांस आया, फिर कोविड-19 आ गया सब, उसकी वजह से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। एक्चुअली कोविड-19 आने के बाद ही ये सब सर्कुलर आया बेटा। इस तरह के कई सारे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए, गुड सप्लाई कैंसिल हुए, तो उसमें क्या करने का गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, बोला ये ऑलरेडी आपको पता है वही करो साहब। एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली। ओके, द सप्लायर हैज इश्यूड रिसीट वाउचर। देखो एडवांस आता है तो आप चाहो तो टैक्स इनवॉइस इशू करो, आप चाहो तो रिसीट वाउचर इशू करो, एडवांस आता तो रिसीट वाउचर इशू किया आपने। एंड पेड द जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड, सर्विस के केस में एडवांस पे जीएसटी पे करना पड़ता, आपने पे कर दिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एडवांसेज और इज और ही इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न्स। तो साहब ये लिख दिया क्या, पढ़ लो सर, इन मतलब अगेन रिसीट एडवांस आया, आपने रिसीट वाउचर दिया, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ आप उसको रिफंड करेंगे, तो जितना अमाउंट आपने रिफंड किया है उतना अमाउंट का आप रिफंड वाउचर इशू करेंगे उसको बेटा। क्लियर, और रिफंड वाउचर जो इशू किया है उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपने जिस मंथ में रिफंड वाउचर इशू किया उस मंथ में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पढ़ो, इन केस जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑन एडवांसेस रिसीव्ड ऑन फॉर एन इवेंट विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली एंड फॉर विच नो इनवॉइस हैज बीन इश्यूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, देन ही इज रिक्वायर्ड टू इशू अ रिफंड वाउचर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लोज ई ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल नंबर 51। ओके साहब, द टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन सच एडवांसेस बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर जीएसटी आरएफडी 01 अंडर द कैटेगरी रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपने रिफंड वाउचर इशू किया तो आपको रिफंड ही लेना है टैक्स का। यहाँ पे सर्कुलर ने बोला है आपकी उस मंथ की लायबिलिटी के साथ ही एडजस्ट नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। देखो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि या तो टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करो या फिर रिफंड लो। पर जहाँ पे आप रिफंड वाउचर इशू करते हो और वहाँ पे अगर आपने टैक्स पे किया था ओरिजिनली रिसीट वाउचर के टाइम पर, तो आपको रिफंड वाउचर के केस में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 गुड्स के लिए, देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों सर्विस के लिए थे बेटा, पॉइंट नंबर 3 किसके लिए, गुड्स के लिए। गुड्स सप्लाइड बाय अ सप्लायर अंडर कवर ऑफ अ टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न्ड बाय द रेसिपिएंट। ओके, सेल रिटर्न हो गया बेटा। वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड और इज ही रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न। तो सर सिंस गुड्स सप्लाई किए होंगे तो जब गुड्स रिमूव किया होगा अंडर द कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस इशू किया था बेटा, आपने टैक्स पे कर दिया, तो बाद में आप क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे और क्रेडिट नोट से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ की लायबिलिटी से ये एडजस्ट हो जाएगा। और अगर उस मंथ में कोई और लायबिलिटी नहीं थी तो अगेन आप एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स वाले कॉलम के थ्रू आप रिफंड क्लेम कर सकते हो इन फॉर्म नंबर जीएसटी आरएफटी 01। हाँ है ना, क्लियर। पर ध्यान रखना बेटा, आपकी लायबिलिटी तभी कम होगी, ये टैक्स का आपको रिफंड तभी मिलेगा जब उस क्रेडिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स किया है, अगर उसने आईटीसी लिया था ओरिजिनली टैक्स इनवॉइस के बेस पे। तो बेटा वो आपको जो जनरल प्रोविजन पता है वही है बेटा। क्लियर, डन, क्लियर, ये भी सर्कुलर खत्म होता है अब। तो कुल मिला कि गुड्स हो या सर्विस हो, अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में किसी कारण से गुड्स रिटर्न हो गया या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो जो टैक्स इनवॉइस इशू किया उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट इशू कर देना, उस क्रेडिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और आपकी लायबिलिटी उस मंथ की कम हो जाएगी जितने अमाउंट का आपने क्रेडिट नोट दिया उस अकॉर्डिंग बेटा। और अगर उस मंथ की लायबिलिटी नहीं है तो यू कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड। और अगर आपने कभी भी सर्विसेज के केस में एडवांस आया, आपने रिसीट वाउचर दिया और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आपने उसको रिफंड दिया, तो जितना अमाउंट आपने रिफंड किया उतना रिफंड वाउचर इशू करेंगे आप, और जितना अमाउंट का रिफंड किया उतना प्रोपोर्शनेट आपको जो टैक्स आपने पे किया था उतना प्रोपोर्शन आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर, जीएसटी आरएफडी 01 नंबर के फॉर्म के थ्रू बेटा। भारत माता की जय, ये पॉइंट खत्म होता है अब, ये टैक्स इनवॉइस रिलेटेड प्रोविजन भी खत्म होते हैं अब। आइए अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है रिटर्न्स अंडर जीएसटी, उससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं हम बच्चों, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ओके,
और आपको क्या है, आपको ब्रेक लेना तो यूट्यूब पे लेक्चर है, पॉज किया मंगल चुप, और मंगल चुप, मंगल बोल, मंगल चालू, क्लियर चालू, ओके सर। रिटर्न्स, सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको एक क्लेरिफाई कर दूं, GSTR 1 सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको भी GSTR 1 सबमिट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बच्चों एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए रिलेवेंट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही याद रखना है। GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। पर आपको पता है कि अगर किसी एसएससी का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में बेटा, तो वो चाहे तो क्वार्टरली वाला ऑप्शन भी ले सकता है बेटा, और वो क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करने का ऑप्शन ले सकता है। पर बच्चों, और जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है उसको मंथली ही GSTR 1 सबमिट करना पड़ेगा, मंथली ही GSTR 1 सबमिट करना पड़ेगा बेटा, और उसके लिए ड्यू डेट क्या कर दी, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और जिनको क्वार्टरली फाइल करना है, जिन्होंने क्वार्टरली वाला ऑप्शन लिया, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, उनको क्वार्टरली पे करना है, क्वार्टरली GSTR 1 सबमिट करना है, कब तक, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी लास्ट डेट तक बेटा। ये फैसिलिटी पहले मार्च 20 तक ही थी बेटा, कि मार्च 20 तक ही क्वार्टरली अलाउ होगा, और मार्च 20 क्वार्टर जो था उसका ड्यू डेट हो गया क्या 30th अप्रैल 20, पर इस फैसिलिटी को सितंबर 20 तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अप्रैल से जून 20 क्वार्टर के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 होगा 31st जुलाई 2020, और जुलाई 20 से सितंबर 20 क्वार्टर के लिए ड्यू डेट होगा 31st अक्टूबर 2020, उन लोगों के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम, या तो प्रीवियस फाइनेंशियल में था या फिर करंट ईयर में 1.5 करोड़ या उससे कम है, वो चाहे तो क्वार्टरली ऑप्शन लेके ये ऑप्शन कर लिया तो ये ड्यू डेट रहेगी उनके लिए। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सेस है उनको मंथली फाइल करना, पर उनके लिए ड्यू डेट एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी 11 तारीख बेटा। और ये 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो ड्यू डेट है ये भी सितंबर 20 तक फैसिलिटी दे दी बेटा। तो सर एज पर बोर्ड ऑफ स्टडीज बेटा, एज पर ICAI बुक्स स्टडी मटेरियल्स, वो लोग कंसिडर करते हैं कि ये टेम्प्रेरी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सटेंड होती है, ये सब हम एग्जाम्स के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। एग्जाम्स के लिए तो आप स्टैंडर्ड जो जनरल है रेट डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वही ध्यान रखें बेटा। तो मैंने नो डाउट यहाँ पे प्रोविजंस आपको बुक में दे रखे हैं नॉलेज पर्पस के लिए, पर एग्जामिनेशन के लिए आपको GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है बेटा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट्स इट, बस यही आंसर आपका होना चाहिए बेटा। भले टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव हो कम हो कोई कंसर्न नहीं बेटा, क्लियर। तो मैंने ये अमेंडमेंट जो वो पढ़ा भी दिया, पर आपको बता दिया कि ये रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स के लिए आपको GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है बेटा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और मंथली फाइल करना है सबको बेटा, ओके डन। ध्यान रखना बेटा एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट शिफ्ट होता है कई बार GSTR 3B का एक आध बार हुआ है सर, GSTR 1 का तो कई बार हो जाता है बेटा। ये कोई भी एक्सटेंशन की ड्यू डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनरल रेट जो है वो याद रखना आपको बेटा, ओके सर। आइए अगला अमेंडमेंट आपको मिला होगा, अगला अमेंडमेंट पेज नंबर 416 एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44। अच्छा कुछ नहीं, अगेन डायरेक्ट पार्ट दे रखा है और यहाँ पे बोल दिया एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है आपको पता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31st दिसंबर होता है बेटा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमिश्नर को पावर दे दिया कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग कमिश्नर चाहे तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न को शिफ्ट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। और साथ में एक और प्रोविजन ऐड करके बोल दिया क्या, अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ने SGST एक्ट के पावर के थ्रू अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न शिफ्ट किया है तो वो CGST एक्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐड किए। वैसे गवर्नमेंट अब तक अपने स्पेशल पावर यूज करके ड्यू डेट कई बार एक्सटेंड कर चुकी है, पर अभी एक्ट के थ्रू कमिश्नर को पावर दे दिया। हाँ है ना बच्चों, तो कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा यही दोनों पॉइंट नेक्स्ट पेज में वापस रिपीट हुए, ये बैरेट पार्ट था, आगे एनालिटिकल पार्ट में भी सेम पॉइंट मैंने रिपीट किए। जो पेज में 417 पे आपको फर्स्ट ए मिला होगा वो यही दोनों पॉइंट है बेटा, क्लियर ओके। अब सर एक सर्कुलर एड हुआ, आपको पता है बच्चों कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ था उनको ऑप्शन दिया था कि तुम चाहो तो एनुअल रिटर्न फाइल करना, तुम चाहो तो एनुअल रिटर्न फाइल मत करना। वैसे एनुअल रिटर्न के सेक्शंस में लिखा हुआ है क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट सम पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटर्न, भले टर्नओवर कितना भी हो साहब,
जो भी रजिस्टर्ड उसको फाइल करना है, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शन। पर 18-19 और 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सेस है उसी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है, और 2 करोड़ से कम जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है, ओनली 17-18 फाइनेंशियल ईयर और 18-19 फाइनेंशियल ईयर, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको ऑप्शन है, वो चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल करे, वो चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे। ये पहले भी था, अभी भी है साहब। अब इसमें तकलीफ क्या हो गई बेटा? अब ऐसे चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकता है बेटा, पर सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि अगर एसएससी चाहता है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न होता है तब तक आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर देना, हम ड्यू डेट के बाद आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं देंगे। किन के लिए? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम था। आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 2 करोड़ या उससे कम था उनको ऑप्शन है कि एनुअल रिटर्न फाइल करे ना करे, पर अगर उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो होती है तब तक फाइल कर देना, उसके बाद हम ऑप्शन नहीं देंगे। तो एसएससी को डाउट ये आया साहब कि मान लो हमने जीएसटीआर 1 सबमिट किया, 3B सबमिट किया, हमने टैक्स पे कर दिया साहब हमारे हिसाब से, फिर बाद में जब हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हम फाइनलाइज कर रहे थे तब पता पड़ा कि यार यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गई और हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा है। अब एनुअल रिटर्न का अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम भले ही लेट एनुअल रिटर्न फाइल करके वो टैक्स पे करते थे और एडजस्टमेंट हो जाता सारा सर। अब हमारे पास एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न निकल गई साहब। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में यहाँ पे सर्कुलर ने बोला, अरे क्यों परेशान होते पांडे जी, अगर आपको कभी भी जिंदगी में वॉलंटरीली पता पड़ जाता है कि मेरी एक्सेस लाइबिलिटी कुछ बनती है जो मैंने पे नहीं की रह गई मेरे से, तो आपको ऑप्शन दिया ना जीएसटी DRC 03 वाला, आप फॉर्म नंबर GST DRC 03 फिल करके आपकी एडिशनल लाइबिलिटी जो भी बनती है टैक्स इंटरेस्ट वगैरह की आप पे कर सकते हो, आपको ऑप्शन वैसे भी दे रखा है, आप वॉलंटरी पे करो ना, आपको एनुअल रिटर्न की जरूरत क्या है वहाँ पे? तो विदाउट फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑल्सो यू कैन पे योर एक्सेस लाइबिलिटी जो आपकी बचती है बेटा, हाँ है ना, क्लियर। तो ये सर्कुलर देके गवर्नमेंट ने समझाया उन लोगों को कि जिनकी लाइबिलिटी अभी भी बनती है, अगर आपको बाद में लाइबिलिटी पता पड़ी है तो GST DRC 03 के थ्रू आप सेल्फ टैक्स लाइबिलिटी अजटन करके आप सेल्फ असेस करके जो बैलेंस अमाउंट है आपका पे कर सकते हो साहब, अलोंग विद इंटरेस्ट और अगर पेनल्टी है तो पेनल्टी बेटा, हाँ है ना बच्चों, क्लियर पक्का। आपको वहाँ पे एनुअल रिटर्न की हम ऑप्शन नहीं देंगे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। किसके लिए? जिनका एग्रीगेटर 2 करोड़ या उससे कम था उनके लिए, वो भी फाइनेंशियल 17-18 के लिए और 18-19 के लिए बेटा। ओके डन। वैसे इस तरह के पॉइंट नॉर्मली एग्जाम्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। ओके सरकार, अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर जीएसटी ऑडिट, अरे किसको करना पड़ता बताओ मुझे, जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल एक्सीड 2 करोड़, उन सबको क्या करना पड़ता है? आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही करना है, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जीएसटी ऑडिट भी करानी पड़ेगी फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और फॉर्म नंबर GST GSTR 9C जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, हाँ है ना बच्चों, अलोंग विद द एनुअल रिटर्न। पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए फैसिलिटी दे दी कि जीएसटी ऑडिट उन्हीं लोगों को कराना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट उन्हीं लोगों को सबमिट करना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होगा। कितना? 5 करोड़। आइए बेटा देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने पॉइंट दे रखा, पेज नंबर 418। हाउएवर, फर्स्ट पॉइंट, हाउएवर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ओनली 1 ईयर एक्सीड्स 5 करोड़, नॉर्मली 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ऑडिट करना पड़ता है बेटा जीएसटी में, पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए बोल दिया क्या, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होगा उन्हीं को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं अंडर जीएसटी। पढ़ो, हाउएवर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 एक्सीड्स ₹5 करोड़ शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 5 एंड ही शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म नंबर GSTR 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 बेटा। मतलब 18-19 में 5 करोड़ से कम टर्नओवर जिनका है या 5 करोड़ भी है उनको जीएसटी ऑडिट नहीं करानी है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, मजे मारो ऐश करो। ओके सर,
अच्छा फिर पॉइंट नंबर डी और ई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी थे बेटा, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी जिसका CNAG ऑलरेडी ऑडिट करता है उसको GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं बेटा। फिर नेक्स्ट था पॉइंट नंबर ई OIDR ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस ऑडिटेबल सर्विसेज जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, उनको भी एनुअल उनको भी GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे हाँ है ना, ये बातें हम ऑलरेडी, ये दोनों पॉइंट तो पहले भी थे बेटा, हाँ है ना, ये OIDR वाले केस में ना तो उसको एनुअल फाइल करना है ना ही उसको GST ऑडिट करनी बेटा। अब पॉइंट नंबर एफ एक्यूरेट हो गया बेटा कि फॉरेन कंपनी जो एयरलाइन कंपनी बेटा उनके लिए बोला कि आपको भी GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो पॉइंट क्या बेटा, अ फॉरेन कंपनी विच इज एन एयरलाइंस कंपनी कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन नंबर 131 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो फॉरेन कंपनी है जो एयरलाइन बिजनेस करती है, एयरलाइन कंपनी है, हु हैव कंप्लाइड विथ रूल नंबर 4 सबल 2 ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, जिसने फॉरेन कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें कंप्लाई किया हुआ है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर GSTR 9C। तो गवर्नमेंट ने एयरलाइन इंडस्ट्री में जो फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व थी उनको फायदा दे दिया और बोल दिया कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने, आपको एनुअल रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा पर आपको GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा, पर आपको इंडिया में जो आपका बिजनेस चल रहा है इंडियन ऑपरेशंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ However, a statement of receipt and payments for the financial year in respect of its Indian business operations, duly authenticated by a chartered accountant, practicing chartered accountant in India, or a firm, or a LLP of practicing CAs in India, is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year. बेटा मतलब जो foreign company है, जो airline companies है, जो companies act में registered है, जिन्होंने foreign companies registration companies rules के according कंप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C नहीं सबमिट करना है, GST ऑडिट नहीं करानी है, पर उनको प्रैक्टिसिंग CA या फर्म या LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग CA से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑफ व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, और वो सर्टिफिकेट इनको ड्यूली सबमिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th September after the end of the relevant financial year बेटा, हाँ है ना, और वो भी हर GST नंबर का सेपरेट बेटा, मतलब इसके इंडिया में 10 जगह रजिस्ट्रेशन नंबर है तो 10 नंबर के अलग अलग रिसीट और पेमेंट के स्टेटमेंट सबमिट होंगे CAs के थ्रू बेटा, क्लियर डन। तो फॉरेन कंपनी और एयरलाइन कंपनी इनको GSTR 9C के लिए मना कर दिया है, GST ऑडिट के लिए मना कर दिया, बस स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इनको सबमिट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इनको सबमिट करना पड़ेगा ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग CA इन इंडिया बेटा, हाँ है ना, और वो भी 30th September आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले पहले बेटा, भारत माता की जय, क्लियर। इसी के साथ ये रिटर्न का चैप्टर, इसके जो रिलेवेंट अमेंडमेंट थे वो भी खत्म होते हैं। अब आपने देखा हो तो कोई मेजर टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है बेटा जो एग्जाम्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो बेटा ये वाले, क्लियर, पर फिर भी यू कांट अफोर्ड टू लीव इवन अ सिंगल लाइन, हम तो हर एक लाइन कवर कर लेते हैं बेटा सो देट 100% रिस्क कवर हो, क्योंकि पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्लियर। इस लेक्चर को यही विराम देते हैं, कुछ अमेंडमेंट और बचे हैं बेटा, तो मेरे ख्याल से एक लेक्चर के अंदर वो अमेंडमेंट और कवर हो जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे हम, क्लियर। यहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, माहौल शानदार, और आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि सर 100% हमने पढ़ लिया है, हमको समझ में आ गया है, और ये सारे अमेंडमेंट जो आपने आज पढ़े हैं ये आपके एंड पे आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सर।